नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यापार लर्निंग हब में। शुरू करने से पहले एक जरूरी बात कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे मौजूद सब्सक्राइब बटन को दबाइए और सबसे पहले हमारे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। फ्रेंड्स, हमें काफी सारे सवाल आते हैं कि क्या हम व्यापार से बिल प्रिंट करने के लिए थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हम अदर लैंग्वेजेस में इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं, क्या हम 3 इंच का पेपर यूज कर सकते हैं और बहुत कुछ। तो दोस्तों, ये आप बिल्कुल कर सकते हैं और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे थर्मल प्रिंटर की सेटिंग्स के बारे में। तो इसके लिए सबसे पहले व्यापार ओपन करें। अब लेफ्ट मेन्यू में सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ आपको प्रिंट सेटिंग्स में जाना होगा। तो ऊपर की तरफ आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, रेगुलर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो यहाँ पर आपको थर्मल प्रिंटर पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही आपको थर्मल प्रिंटर से रिलेटेड सभी सेटिंग्स दिखाई देंगी। आइए देखते हैं कि इनका इस्तेमाल आप कब और क्यों कर सकते हैं। तो सबसे पहले मिलता है मेक थर्मल प्रिंटर डिफॉल्ट ऑप्शन। अगर आप सिर्फ थर्मल प्रिंटर का ही इस्तेमाल करते हैं तो इसको ऑन कर सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा प्रिंटर हो तो आप सेट डिफॉल्ट थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल कर किसी एक प्रिंटर को बाय डिफॉल्ट फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद आप ऑन करेंगे नेटिव लैंग्वेज प्रिंटिंग। अगर आप इनवॉइस की बाकी डिटेल्स नेटिव लैंग्वेज या लोकल लैंग्वेज में एंटर करते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन कर आप इनवॉइस को उसी लैंग्वेज में प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना होगा प्रिंट होने वाले पेपर का साइज, जिसमें आपको 3 साइज मिलते हैं, 2 इंच जो कि होता है 58 mm, उसके बाद 3 इंच जो कि होता है 80 mm, 4 इंच जो कि होता है 100 mm। लेकिन अगर आप किसी अलग साइज का पेपर यूज करते हैं जो यहाँ मौजूद नहीं है तो उसके लिए आप यहाँ कस्टम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस तरह पेपर साइज यहाँ एंटर कर देंगे। इसी के साथ आपको 2 और ऑप्शंस मिलते हैं, एक्स्ट्रा लाइंस एट द एंड, यानी कि अगर इनवॉइस के एंड में आपको कुछ ब्लैंक स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पर उसके लिए नंबर एंटर करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको इनवॉइस के एंड में लगभग 5 लाइंस जितना स्पेस चाहिए तो आप यहाँ 5 एंटर कर देंगे। और दूसरा नंबर ऑफ कॉपीज, तो आप बाय डिफॉल्ट इनवॉइस की कितनी कॉपीज प्रिंट होनी चाहिए वो सेट कर सकते हैं, और मैक्सिमम इसमें आपको 9 कॉपीज का ऑप्शन मिलता है। साथ ही आप टेक्स्ट को अगर बोल्ड रखना चाहते हैं तो इस यूज टेक्स्ट स्टाइलिंग ऑप्शन को ऑन कर दें। इसके बाद है ऑटो कट पेपर आफ्टर प्रिंटिंग, जिससे कि प्रिंट होते ही इनवॉइस ऑटो कट हो जाएगा, तो आप चाहे तो इसे भी ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिलता है ओपन कैश ड्रॉअर आफ्टर प्रिंटिंग, यानी कि काफी सारे स्टोर्स पर प्रिंटर को कैश ड्रॉअर से कनेक्ट रखा जाता है, जिससे कि इनवॉइस प्रिंट होते ही वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए, तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर सर्च बार में उसे ओपन कैश टाइप कर सर्च भी कर सकते हैं, या जो भी ऑप्शन आप ढूंढना चाहते हैं इन द सेटिंग्स आप उसका नाम टाइप कर इजीली उसे सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलती है 2 इनवॉइस थीम्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, थीम 1 या फिर थीम 2, और बाद में चाहे तो यहीं से इनवॉइस प्रिंट लेआउट की थीम को बदल भी सकते हैं। यहाँ पर आपको नीचे मिलता है प्रिंट टेक्स्ट साइज कि आपको टेक्स्ट साइज स्मॉल चाहिए या मीडियम या लार्ज, तो आप जो चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी इन्फो में आपको मिलता है इनवॉइस का हेडर पार्ट, जहां आते हैं आपके बिजनेस का या कंपनी का नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर और GSTIN नंबर, कि आप इनमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन इनवॉइस पर प्रिंट करना चाहते हैं उसे ऑन कर लें। और अगर इन डिटेल्स में कोई चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ एडिट आइकन का इस्तेमाल कर चेंजेस करने के बाद उसे अपडेट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप नॉन टैक्स इनवॉइसेस का हेडर बाय डिफॉल्ट इनवॉइस की जगह बिल ऑफ सप्लाई रखना चाहते हैं तो इसे आप ऑन रख सकते हैं। नेक्स्ट है चेंज ट्रांजैक्शन नेम, तो इसके लिए हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप ट्रांजैक्शन का नाम चेंज कैसे करें। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आपको मिलता है टोटल्स एंड टैक्सेस, जिसमें आपको 6 ऑप्शंस मिलते हैं, टोटल आइटम क्वांटिटी, अमाउंट विद डेसिमल, रिसीव्ड अमाउंट, बैलेंस अमाउंट, करंट बैलेंस ऑफ पार्टी, टैक्स डिटेल्स। और अगेन यहाँ पे आप वो सभी ऑप्शंस ऑन रख सकते हैं जो आप इनवॉइस में दिखाना चाहते हैं, और जो ऑप्शंस आपको इनवॉइस पर नहीं चाहिए उन्हें आप इस तरह से ऑफ ही रहने देंगे।
फुटर में अगर आप डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहते हैं तो उसे भी ऑन रख सकते हैं। और लास्ट में आपको मिलता है टर्म्स एंड कंडीशंस, यानी हर ट्रांजैक्शन के लिए आप सेपरेट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप एडवांस्ड और सिंपल सेटिंग्स के साथ बहुत ही आसान तरीके से थर्मल प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनवॉइसेस प्रिंट कर सकते हैं। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने व्यापारी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। ऐसे ही अन्य ट्यूटोरियल वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको व्यापार से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें संपर्क करने की जानकारी स्क्रीन पर मौजूद है। व्यापार इस्तेमाल करने के लिए धन्यवाद। हैप्पी व्यापारी।